सीते भैया सीते सीते भैया भैया सीते भैया सीते सीते भैया प्रभु राम तो जानते हैं जिस सीता का हरण हुआ है वो मायावी है। साक्षात सीता मैया तो अग्नि देव के पास सुरक्षित हैं। फिर क्यों राम इस प्रकार विलाप कर रहे हैं? क्यों श्री राम पत्नी वियोग में ठोकरे खाते हुए वन वन भटक रहे हैं? देवर्षि, ये सब आपके कारण हो रहा है। मेरे कारण प्रभु? मेरे कारण? नारायण नारायण। आप भूल गए, मुझे शाप दिया था आपने कि मैं पत्नी वियोग में व्याकुल होकर भटकूंगा। प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूं। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि वो इस समय मानव रूप में है। मानव की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन वो कभी नहीं करना चाहेंगे। नारायण नारायण। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, यदि तूने मेरा स्पर्श किया तो तेरे सिर के 100 भाग हो जाएंगे। दशानन, सीता की ओर बढ़ने का साहस तो किया था परंतु सिर के 100 टुकड़े। तुम्हारी मृत्यु अब ऋषिमुख पर्वत से होती हुई लंका पहुंच रही है। फिर न लंका रहेगी न तुम रहोगे। मूर्ख। महाराज महाराज महाराज, नीचे सरोवर के किनारे दो मानव युवक धनुष बांध लिए इसी ओर आ रहे हैं। हनुमान, बाली तो शाप के भय से यहां नहीं आ पाया। हमें लगता है उसने अवश्य किसी को हमारा विनाश करने की इच्छा से यहां भेजा हो। ये आपके मन की शंका भी हो सकती है महाराज। शंका का निवारण कर लेना चाहिए हनुमान, यदि तुम्हें कोई संकोच ना हो तो। मैं समझ गया महाराज, मैं अभी जाकर पता लगाता हूं। सावधान होकर जाना महाबली, यदि किसी प्रकार के संकट की संभावना समझो तो। मेरी तनिक भी चिंता ना करें महाराज, हनुमान का कोई अहित नहीं होगा। आज्ञा दीजिए महाराज। युवक पति को इस निर्जन एकांत में आप क्या कर रहे हैं? तपस्वियों के समान वेश और उस पर अस्त्र धारण किए हुए आप कौन हैं? ब्राह्मण देवता, हम दोनों भाई हैं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आए हैं। इस समय किसी दुष्ट राक्षस ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है, उसे ढूंढते हुए हम यहां आए हैं। आपका तेजस्वी रूप ये बतला रहा है आप अवश्य किसी गंधर्व अथवा राजकुल के कुमार हैं। खुलकर अपना परिचय दीजिए। ब्राह्मण देवता, आप भी वेश से ब्राह्मण और शरीर से कोई वीर धीर पुरुष जान पड़ते हैं। मेरी बात छोड़िए, आप अपने बारे में खुलकर बताइए। ब्राह्मण देव, हम दोनों अयोध्या पति राजा दशरथ के पुत्र हैं।
मेरी पत्नी मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता है, जिसका अपहरण हुआ है। ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं और मैं राम हूं। मेरे श्री राम, आप दशरथ नंदन राम, विष्णु अवतार राम आप है प्रभु। और शेष अवतार लक्ष्मण आप, इतने वर्ष बिता दिए आपने मुझे दर्शन देने में प्रभु। मैं तो वानर हूं, अपनी मूर्खता के कारण मैं आपको पहचान नहीं सका, परंतु आप मुझे प्रभु, आप राज बाली की हत्या। वज्र शरीरधारी महायोगी महाराज, बाली की हत्या कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? आर्यवर्त के दो वीर युवक हैं, उनमें से एक का नाम राम है। हाँ महाराज, राम ने महाराज बाली की हत्या की और बाली के छोटे भाई सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। क्या राम ने बाली की हत्या कर दी? तुम जा सकते हो। जो आगे। सुनो, सुग्रीव की गतिविधियों पर पूरी दृष्टि रखना और समय समय पर हमें सूचित करते रहना। जाओ। जो आ गया महाराज। मैं एकांत चाहता हूं। अवश्य दशानन, अवश्य। जिसकी पत्नी का मैंने हरण कर लिया है। आओ रावण, आओ। शनिदेव, क्यों कांप गया ना मन?
राम का ध्यान आते ही होंठ चिपक गए तेरे। अरे तू तो बहुत बड़ा बलवान है, बड़े बड़े देव और दानवों को मारा है तूने, फिर बाली वध की सूचना से इतना व्याकुल क्यों हो गया तू? मैं व्याकुल नहीं हूं शनिदेव। तुम केवल व्याकुल ही नहीं, बाली की मृत्यु का सुनकर तुम्हें अपनी मृत्यु निकट आती दिखाई दे रही है रावण। याद करो रावण, बाली ने तुझे अपनी काख में लेकर पूरा सागर पार किया था, और जब प्रभु कर सकते हैं उनके सामने तू क्या है? अपनी वास्तविकता को पहचान और प्रभु की शरण ले ले, नहीं तो जैसे बाली ये संसार छोड़ गया तू भी छोड़कर जाने वाला है रावण। रावण जे और तुम बंदी, अब हम दोनों यहीं रहेंगे और इसी तरह रहेंगे। कोई बाण ऐसा नहीं बना जो रावण की छाती को भेद सके। उठिए उठिए देवर्षि। आप पृथ्वी लोक पर यहां मेरे पास? हां भगवान, अपने प्रभु श्री राम और शेष रूप लक्ष्मण जी के दर्शन लाभ करने चला आया। प्रभु, माता महामाया का आपके पास से चले जाना आपके ईश्वरीय तत्व की पूर्णता को व्यक्त नहीं कर पा रहा। देवर्षि, आप जैसे भक्तों के लिए व्यक्त और अव्यक्त में कोई भेद नहीं है, फिर भी मानव कल्याण की भावना से यही समझ लें कि जो कुछ दृश्य है अथवा अनुभव हो रहा है वही व्यक्त है। इसकी शक्ति एक सीमा में बंधी हुई है। आज मेरा यह शरीर ये भी व्यक्त है जो पंच महाभूतों से बना और पांच तन्मात्राओं के आवरण से ढका है। ये सब कुछ सदा सर्वदा रहने वाला नहीं है, किंतु अव्यक्त की शक्ति असीम है। मैं ही अव्यक्त शक्ति से संपूर्ण जड़ चेतन में व्याप्त होकर अपनी ही माया से संपूर्ण सृष्टि का संचालन करता हूं। यही व्यक्त और अव्यक्त में अंतर है। अर्थात जहां देखूं तित राम, जहां जाऊं तित राम। आह वाह, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। बोलो भक्त, तुमने हमारा स्मरण क्यों किया? हे त्रिशूल पाणी, राज्य में नित्य नए उपद्रव देखकर मेरा मन व्यग्र हो उठा है। रावण, तुम तो वेदाचार्य हो, मंत्र दृष्टा हो, रीति और नीति को जानने वाले हो, फिर इतनी सी बात पर तुम्हारा मन व्यग्र क्यों हो उठा? हे भगवान, किंतु ये व्यग्रता कहीं ना कहीं मुझे हतोत्साहित कर रही है। हे दशानन, आत्मा एक आणुविक शक्ति है जो इतनी बलवान होती है कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड की गति को रोक सकती है, किंतु जब वो शरीर के आवरण से ढक जाती है तो उसकी शक्ति तन मात्राओं के जाल में फंसकर निर्बल हो जाती है। ये वही निर्बल शक्ति है जो तुम्हारे हृदय में व्यग्रता उत्पन्न कर रही है। वत्स, तुम योग साधना से जब इस जाल से बाहर आ जाओगे तो तुम्हारे मन की व्यग्रता शांत हो जाएगी। जय महादेव, जय भोलेनाथ। तुम्हारा कल्याण हो रावण। माता के आभूषणों के गिरते समय जो विमान दिखाई पड़ा था
वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, किंतु आगे चलकर वो दक्षिण दिशा से पूर्व अथवा पश्चिम की ओर भी जा सकता है। हमें सीता माता की खोज चारों दिशाओं में करनी होगी। आप ठीक कह रहे हैं। तो हनुमान और अंगद, आप दोनों वानर सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान करेंगे और विरूपाक्ष, कपिलाक्ष तथा नल नील, आप अपने सैनिक दल के साथ पूर्व से होते हुए उत्तर की ओर खोजते हुए यहां लौटेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हनुमान। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कोई दुष्ट सीता को लेकर दक्षिण की ओर गया है। आपको ऐसा विश्वास क्यों है श्री राम? वानरराज सुग्रीव, उत्तर पश्चिम में किन्नर गंधर्व और मायाधरों का वास है। राक्षस, दैत्य और यक्षों के बड़े बड़े समूह दक्षिण की ओर ही रहते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं प्रभु। आपका ये दास आपके चरण पकड़कर ये प्रतिज्ञा लेता है प्रभु कि जब तक मैं सीता मैया को खोज कर न लाऊं, लौट कर नहीं आऊंगा मैं प्रभु। मुझे एक और बात का विश्वास है हनुमान। वो क्या प्रभु? तुम अपने अभियान में अवश्य सफल होगे। इसलिए जैसे ही तुम्हें माता सीता के दर्शन हो, उनसे कहना राम ने पूछा है, ऐसा भी क्या रूठी हो, पत्तों तक को अपने जाने का मार्ग नहीं बताया, कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें, किस किस से नहीं पूछा, तुम्हारे बिना राम निर्जीव हो गए हैं, आंखें रात दिन चारों दिशाओं में तुम्हें ढूंढती रहती हैं, तुम जहां भी हो राम तुम्हें लेने अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जाता अगणित जोधा। गयउ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेही,